वॉटलेस करंट, देखो वॉटलेस करंट क्या होता है, जिसकी पावर जीरो होती है वो वॉटलेस करंट है, वॉटलेस का मतलब पावर नहीं है। तो इसके अंदर अगर मान लो आपके पास ये वेक्टर या ये जो वैल्यू है ये ई आर एम एस है, ये वोल्टेज ई आर एम एस है और ये जो है करंट है आई आर एम एस है और इनके बीच में एंगल कितना है सपोज फाइव, तो एक वोल्टेज का वेक्टर है, एक करंट का वेक्टर है। एक काम करते हैं, इस करंट के वेक्टर के दो कंपोनेंट्स ले लेते हैं, एक आई आर एम एस कॉस फाइव, एक आई आर एम एस साइन फाइव, ठीक है यहाँ तक। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर ये वोल्टेज है और अगर मैं इस करंट की बात करूँ, इस करंट एंड इस वोल्टेज में टोटल एंगल कितना है 90, तो ये करंट और वोल्टेज मिलके एवरेज पावर क्या देंगे, जीरो, क्योंकि जब ईएमएफ और करंट में एंगल 90 होता है तो एवरेज पावर क्या होती है, जीरो। ओनली इंडक्टर में जीरो, ओनली कैपेसिटर में जीरो, क्यों जीरो, क्योंकि एंगल वोल्टेज और करंट में क्या आता है 90, तो हाँ ये जीरो नहीं देगी, ये जीरो देगी। तो ये वाला कॉम्पोनेंट ऑफ करंट वोल्टेज के साथ एवरेज पावर क्या देगा, जीरो। तो इसलिए इस करंट का नाम क्या है, वॉटलेस करंट। तो ये वो करंट है जो ईएमएफ के साथ एवरेज पावर क्या देगा, जीरो। तो इसमें इट हैज़ नो कॉन्ट्रीब्यूशन इन पावर, इस करंट की कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है पावर में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वॉटलेस करंट। तो आप ये फॉर्मूला मार्क कर लें कि वैल्यू ऑफ वॉटलेस करंट इसके इक्वल है।